Assalamualaikum everyone, welcome back to my YouTube channel. तो इस वक्त मैं ECS की शॉप पे खड़ी हुई हूँ जो कि लिंक रोड पे मौजूद है और ये सारी इनकी लेटेस्ट ईद कलेक्शन है फ्लैट में और इनकी रेंज जो है वो 1500 से 2000 से अबव तक है और आपको 2000 के अंडर भी इसमें से आपको जो है अच्छी सी एक ईद के आउटफिट के साथ जूता मिल जाएगा. समर कलेक्शन है लेटेस्ट ईद के वॉल्यूम के साथ और यहाँ पर कुछ जो है आपके पास जैसे कहते हैं अंगूठे वाली चप्पल है, कुछ मिनिमम हील के अंदर मौजूद है, जैसे ब्लॉक हील होती है बिल्कुल मिनिमम. इसकी रेंज भी आई थिंक मोर देन 2000 है. फ्लैट आपको जो है वो 2000 के अंदर मिल जाएगी. अगर आप चाहते हैं कि आप फैंसी और ब्लॉक हील लें तो आप वो भी ले सकती हैं. सो फरवा ने डिसाइड किया था ये वाली एक ब्लू में और एक जो है वो मरून में, तो उसको इन दोनों में कन्फ्यूजन हो रही थी कि वो कौन सी ले. सो शी टुक द ब्लैक वन, द टायर वन. उसके बाद जो है मैंने कुछ फ्रेगरेंस वगैरह ट्राई की थी. ECS की भी कोई ख़ास, मतलब आपको कहते हैं ना कुछ डिफरेंट नहीं है. जैसे जे डॉट की भी मुझे कुछ इतनी अच्छी लगी नहीं थी फ्रेगरेंस और बट इनकी रेंज जो है वो 2000 समथिंग थी. इसमें से एक मुझे अच्छी लगी थी लेकिन ज़्यादा अच्छी नहीं. जैसे कहते हैं ना आप सरप्राइज हो जाते हैं. हमने जूता लिया, बिल करवाया और उसके बाद हम जो है अपने नेक्स्ट स्टोर यानी कि बॉर्जन की तरफ चल पड़े बिकॉज आई हैव टू बाय समथिंग फ्रॉम दी बॉर्जन एज वेल. मेरा पिंक जो है वो ड्रेस है तो आई एम लुकिंग फॉर आर शॉकिंग पिंक जूता. बट बॉर्जन पे क्या था कि सब जो थे वो न्यूड कलर में थे. देख लें आप लोग न्यूड में, और मुझे लगा कि ये बहुत ज़्यादा ना मिडल एज वालों के लिए हैं बल्कि अम्मा के लेवल की तरह के. उसके बाद काफ़ी अच्छे वहाँ पे बैग्स थे. सो वन ऑफ आर बैग्स वी लाइक्ड अ लॉट, दैट वन इज वाइट विद अ ब्लैक वन. सो ये मुझे गिफ्ट करना है फरवा को उसकी बर्थडे पे, तो उससे पहले मैं लेकर रख लूँगी उसको. सॉरी फॉर दी व्यू, इसका व्यू अच्छा नहीं था. पता नहीं क्यों मैंने टेढ़ा करके जो है वो फ़ोन को बनाया, ऐसा क्यों किया मैंने आई डोंट नो. तो आपको माजरत होगी इसमें देखने के लिए. लेकिन बॉर्जन पे भी सिंपल एंड प्लेन कलेक्शन थी, सिंपल प्लेन एंड न्यूड कलर्स में. वाइब्रेंट और ब्राइट कलर्स में कलेक्शन अवेलेबल नहीं थी. अगर आपको वाइब्रेंट कलर्स चाहिए, ब्राइट कलर्स चाहिए तो आपको फिर ECS पे जाना पड़ेगा. ये कुछ उनके पास शूज़ थे, जैसे मैंने ये वाली एक पिंक न्यूड में ट्राई की लेकिन ये मेरे पाँव पर सूट ही नहीं की. और उसके बाद फिर हम बॉर्जन के बिल्कुल साथ एक न्यू शॉप है, रियलिटी स्टोर ओपन हुआ है. रियलिटी पे जो है वो इस वक्त फ्लैट 50% डिस्काउंट था. सो हम कुछ टी शर्ट्स जो थी अपने भाई के लिए देखना स्टार्ट कर दी और मुझे जो है ये वाइट ब्लू एंड ब्लैक ये वाली अच्छी लगी थी और साइज़ का हमें थोड़ा आइडिया नहीं था तो ये मैंने वीडियो बना ली है. फैरी इसको देख सकता है और इसको देखने के बाद जो है वो अगर वो ओके करता है डिज़ाइन को तो हम ख़रीद लेते हैं. और ये वाइट जो स्ट्रिप्स के साथ है ये मुझे बहुत अच्छी लगी. आई रियली वॉन्ट टू बाय दिस वन. उसके बाद वहाँ पर कुर्ते जो थे ना वो बहुत ही स्टाइलिश क्यूट शॉर्ट कुर्ता थे, तो मेरा बहुत दिल चाह रहा था कि मैं एम्ब्रॉयडरी वाला जो है वो कुर्ता ले लूं और एक दिखाऊंगी मैं आपको. वो मुझे बहुत अच्छा लगा था और एक इस तरह का ना ग्रीन पैटर्न में ये वाला कुर्ता ये मुझे बहुत अच्छा लगा लेकिन फरवा ने मुझे लेने नहीं दिया पता नहीं क्यों. और उसके बाद हमने जो है वो जीन्स ख़रीदनी थी, तो जीन्स में क्या था कि जीन्स में भी 50% ऑफ था लेकिन क्या था वो फ्लैट जीन्स नहीं थी, वो नैरो थी जिसके नीचे से चुनट पड़ जाती तो हमें नहीं चाहिए थी. और उसके साथ ही हमें एक फर्नीचर शॉप नज़र आई. सो हमने डिसाइड किया कि क्यों ना हम वहाँ फर्नीचर शॉप में जाएं और वहाँ जाके जो है कुछ देख के आएं. ईद पे हमें वैसे एक्चुअली अपने घर के लिविंग रूम के लिए भी ना एक सोफ़ा चाहिए, तो उस सोफ़े के लिए हमें जो है कुछ देखनी थी वैरायटी, तो हम इस शोरूम में चले गए और ये वाला सोफ़ा हमें जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद आया और स्पेशली दिस वन डार्कर एंड लाइटर शेड में. बट इसकी जो रेंज थी ये हमारी पहुंच से बाहर थी, मतलब मोर देन 1 लाख का था. ये हमें जो है वो 50-60 अराउंड इतना देखना है या उससे भी कम था, कि ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं चाहिए हमें लिविंग रूम के लिए. बट दिस वन इज़ आउट ऑफ आर रेंज बट वी गोना गो फॉर दिस वन. इसमें भी कलर कॉम्बिनेशन भी अच्छा है और हमारा आपको पता है कि गोल्ड वाइट सा है तो वाइट गोल्ड और ब्राउन जो है काफ़ी अच्छा रहेगा. और ये वाली जो टू सीटर था ना ये बहुत ही स्टाइलिश था लेकिन स्पेस के अकॉर्डिंग ये बहुत बड़ा था और ये साइड पे दीवान भी बहुत अच्छा था लेकिन ये एक रॉयल फील दे रहा है. इसके लिए आपके पूरी घर की थीम इसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, रॉयल
थी ब्राउनिश कलर की, और इसकी प्राइस जो थी ना वो अराउंड 1 लाख थी। और उसके बाद कुछ ये बेड थे, आई लाइक दी टर्कोइस वन, टर्कोइस वाला मुझे बेड अच्छा लगा था, काफ़ी अच्छा फंकी सा है। लेकिन जो ये सोफ़ा है ना, ये मेरे ख्याल से सबको ले लेना चाहिए। और उसके बाद ये कुछ एक और दो स्टाइलिश दीवान थे वेलवेट के साथ और ग्रे कलर में थे, और इसके अलावा आपने वो दूसरा ब्रॉन्ज कलर में देखा। और फिर ये जो ये यू शेप सोफ़ा है एक्चुअली में, और उसके साथ जो देखें आप डाउन टेबल, आजकल जो हैं वो डाउन टेबल्स चल रही हैं। आपको कुछ और भी दिखाती हूँ यहाँ पर कौन कौन से अच्छे अच्छे डाउन टेबल्स हैं। ये एक ब्राउन में है, डार्कर ब्राउन में है, उसके साथ आप ये वाला दीवान रख सकते हैं एंड इट लुक्स सो गुड। आपको अच्छी फील देगा, अच्छी वाइब आएंगी, और बैठने में तो बहुत ही ज़्यादा कम्फर्टेबल थे। उन्होंने मैचिंग जो है इसके साथ बनाए हुए थे। इसके अलावा ये आपके पास बेड के आगे रखने के लिए, अगर आप जो है बस सेटिंग रखना चाहते हैं तो आप ये भी चूज़ कर सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ दीवान। सो अगर आप बहुत ही एक्सपेंसिव, एक मास्टरपीस, एक रॉयल फील वाला कुछ लेना चाहते हैं अपने लिविंग रूम के लिए, तो मैं अब आपको दिखाने जा रही हूँ वो, और उसके साथ ये जो लाइट ब्राउन में टेबल्स हैं ये उस सोफ़ा सेट के साथ डाउन टेबल्स हैं। ये एक दो तीन पीस का ये सेट है, और दिस डाउन टेबल इज़ रियली क्यूट। आपको पता है कि आजकल तो हर वक्त लॉकडाउन लग जाता है और सब लोग जो है वो लूडो स्टार बहुत खेलते हैं, तो आपके फ़ोन की एनर्जी भी वेस्ट नहीं होगी और आप जो है अपने लिविंग रूम में बैठकर लूडो स्टार भी खेल सकते हैं। तो वो जो सोफे की मैं बात कर रही थी वो ये है। ये जो है बिल्कुल ही आपको क्लासिक ट्रेडिशनल रॉयल फील देगा। आप जैसे इसके ये सीट्स भी देख सकते हैं, काफ़ी ऊंची हैं, गोल्ड ब्राउन, डार्कर ब्राउन, लाइटर ब्राउन का कॉम्बिनेशन है। और टेबल आप चाहें तो ये वाली भी कंसिडर कर सकते हैं, जो लूडो वाली वो भी कर सकते हैं। इट इज़ टोटली अप टू यू कि अगर आप किस तरह की बनवाना चाहें। लेकिन आजकल के जो लिविंग रूम हैं काफ़ी चीज़ें जो हैं वो चेंज हो गई। पहले लोग जो हैं वो क्लासिक से आगे नहीं आना चाहते थे, आजकल जो हैं वो लोग मॉडर्नाइजेशन और कूल और फंकी स्टफ़ को जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। और उसके साथ ये टू सीटर का कॉम्बिनेशन था, थ्री सीटर के साथ टू सीटर का कॉम्बिनेशन ऑब्वियसली वादा होता तो है। इसके अलावा अगर आप वेरिएशंस चाहते हैं तो आप वेरिएशंस भी ले सकते हैं और इनके पेज को ज्वाइन भी कर सकते हैं। मल्टी फॉर्म का इनका पेज है, फर्नीचर है। तो ये था मेरा आज का व्लॉग, उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, ईद के व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।